ज़िंदगी की चर्चा में सब सवाल मुश्किल हैं, लेकिन सब सवाल लाजिम भी हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ, आपका अपना उसामा ज़िया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है ना भाई, कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, आज होंगे सवालों के जवाब। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक हफ़्ता पहले कुछ बोला था कि आस्क मी समथिंग, तो मैंने कहा जिस जिसने आस्क किया पूछा, मैं उनके जवाब जो हैं दे दूँ, तो उनके सवालों के जवाब मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगा। तो वो टाइम आ गया है, मैं काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बीच में कुछ ऐसे व्लॉग्स आ गए थे जिनको आना ज़रूरी था, उनको मैं पेंडिंग में नहीं रख सकता था, तो इसलिए लेट हो गया, आई एम सॉरी। तो मैं पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ जो बहुत ज़रूरी है, कि यार जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे रहा ना, वो पिछली वीडियो जाके देख लें, क्योंकि उनके सवालों के जवाब मेरे पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। पिछली से मुराद वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सवाल पे सवाल मेरी वीडियो का नाम था, उधर मैंने बहुत सारे जवाब दिए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उधर मैं बहुत ही कुछ आप कह सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शहरयार वसीम पूछते हैं कि काम कहाँ करते हो आप। देखो शहरयार वसीम, काम मैं किधर करता हूँ ये मैंने इसको भी मैंने रिकॉर्ड में ले लिया, तुमसे पता नहीं चला, वैसे लास्ट वीडियो में इसका मैं आंसर दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए शहरयार वसीम, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो के अंदर इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मौजूद है। बट हसाना कहती हैं, हसाना या हसन है पता नहीं, मुझे समझ आया लड़का लड़की है, बहरहाल इनका सवाल है। और जो ना पूछे तो फिर हम क्या कर सकते हैं यार, कोई ज़बरदस्ती की है हमने आपके से, नहीं बताओ ना, नहीं बताओ। वाइल आमिर कहते हैं व्हाट इज़ योर फ्यूचर कार ब्रो, उनके कहने का मतलब है फ्यूचर कार। देखो ब्रदर, गाड़ियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे शौक ही नहीं है गाड़ियों का। मुझे जिन चीज़ों का शौक है, वो जिस पे ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो है लेंसेज, कैमरा, दिस एंड दैट। यानी आप कह सकते हैं फिल्म मेकिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मुझे उन चीज़ों का बहुत शौक है, वीडियोस बनाने का शौक है, व्लॉगिंग करने का शौक है, लेकिन गाड़ियों का शौक नहीं है इतना। लेकिन अगर कभी हुई फ्यूचर कार तो पता नहीं। मानो अली कहती हैं हाउ आर यू, व्हाट ए क्वेश्चन, बाजू दर्द कर रहे हैं, दर्द चोट लग गई थी, ये कोई आके मेरी मसाज ही कर दे। इनाया ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इनाया पूछती हैं योर क्रश क्वेश्चन मार्क, योर फेवरेट कलर क्वेश्चन मार्क, योर फेवरेट एक्टर, इधर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इधर हंसने वाला इमोजी, एक हंसने वाला इमोजी। अच्छा देखें, जहाँ तक मेरे क्रश का सवाल है, तो यार टू बी ऑनेस्ट एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव एनी क्रश, मेरा क्रश मैं खुद हूँ उस टाइम पे। योर फेवरेट कलर ऑलवेज ब्लैक, ब्लैक लाइफ स्क्वाड, जो मेरे साथ टिकटॉक पर उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने एक हैशटैग बनाया है ब्लैक लाइफ स्क्वाड, जो सिर्फ मेरा है। मोहसिन लाडला मुझसे पूछते हैं भाई कब मीटअप कर रहे हो फिर। मोहसिन ब्रदर देखो, बात ऐसी है कि मीटअप इंशाल्लाह मैं करूँगा, बस आप मुझे जल्दी से 10K पे पहुँचा दीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर्स पे, फिर मीटअप होगा। या थोड़ी मदद किया करो ना यार, सिर्फ शेयर कर दिया करो वीडियोज़ आगे, अच्छी लगे तो, ज़बरदस्ती नहीं है। आईम अब्दुलरहमान का क्वेश्चन है आर यू मैरिड, यार इतनी मासूम सी भोली भाली शक्ल आपको मैरिड लगती है। मैं अगर मैरिड होता ना तो मेरे सर पे बाल नहीं होते, यानी ये सारे झड़ चुके होते, अगर नहीं झड़े होते ना यार, वाइट तो पक्के हो गए होते पूरे, हालत मेरी फुल ख़राब होती वो शादी के बाद ना, सबका यही हाल होता है यार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिंगल। उमर पूछते हैं यार मेरी पिक नहीं बनी। उमर ब्रदर अभी तक तो आपको पिक्स आपकी मिल चुकी होंगी, ये आपने उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सही इसका। वैसे मैं उमर भाई ने मुझे अपनी पिक्स दी थी एडिट करने के लिए, तो वैसे मैं आप लोगों को ये बताया चलूँ, मैं पिक्स एडिट करने की, जो आप फोटोज पिक्चर्स जिनको बोलते हैं, उनको एडिट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम वेरी बैड एट, क्योंकि मुझे वीडियोज एडिट करनी आती हैं, फोटोज में इंटरेस्टिंग होता है। प्रिंस समी का क्वेश्चन आया मेरे पास, कहते हैं ब्रो फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हो, एंड यार बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो आप, सो ऐसे बनाते रहो डेली ब्रो। थैंक यू प्रिंस सो मच, यार आपने मेरे ब्लॉग्स पसंद किया, आई लव यू यार, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखें फ्यूचर में मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ, वो भी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ उस चीज़ में, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऑफ कैमरा। आप कह सकते हो जब नहीं किसी को किसी चीज़ का भूत चढ़ता है, तो इंस्टाग्राम पर भी वैसे ही हैशटैग्स और वो चीज़ें फॉलो कर देते हैं, हर साइट्स पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देते हैं वैसे चल, तो मैंने आजकल वो काम पकड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ, बेसिक्स सीख रहा हूँ, यानी बहुत सारी बेसिक्स सीख रहा हूँ चीज़ों की, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी सीख सकूँ सीख लूँ, फिर ट्राई करूँ, तो इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो आने वाली है मेरी, जिसमें मैं होऊंगा, व्लॉग होगा, लेकिन वो फुल सिनेमैटिक व्लॉग होगा, ऐसा सिनेमैटिक व्लॉग के आया है, मज़ा आ जाएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा।
AR के किंग पूछते हैं, ब्रो आई मीन पाकिस्तान, व्हेन आई विल बैक टू KSA, आर यू डाउन टू कोलैबोरेट? फॉर श्योर AR के किंग ब्रदर, यू जस्ट हिट मी अप ऑन माय DM, मैं हमेशा कोलैबोरेट के लिए रेडी रहता हूँ। तो अगर आप सऊदी अरब जद्दा से हैं और आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फॉर श्योर मैं कोलैबोरेशन के लिए हमेशा रेडी। सदीक़े हिना पूछती हैं मेरे से, व्हेन वी आर गोइंग टू शूट? सदीक़े हिना, वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सदीक़े हिना बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, शी इज़ फ्रॉम UAE। हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट हमने प्लान किया हुआ है, तो वो उसी के बारे में पूछ रही हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, उसको कुछ मंथ्स चाहिए है ना। बस आप मुझे बता दो, हमारी वही डिस्कशन जो जैसे पहले चल रही थी अभी भी वही बात है कि परफेक्ट टाइम कब है। सो आई बी रेडी इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बजी बॉय, फैसले टाइप को आपकी वीडियोस हैं उसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? बाय द वे अच्छी स्क्रिप्ट है, देखें मैं आपको बताता हूँ, उसकी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है ना कि मैं और जो मेरा दोस्त है मीमो, हम लोग ना जिस तरह अगर हमने जिस दिन शूटिंग करनी है तो उससे एक डेढ़ हफ्ता पहले शुरू हो जाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हाँ भाई कैसे लिखनी है, कैसे करना है, वैसे ऐसे वैसे दिस एंड दैट। और फिर जब हम दोनों के दिमाग मिलते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों के सामने एक वीडियो की शक्ल ले लेता है। ये सारे तो क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझसे पूछे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो यार, मुझे तो नहीं पता। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, उसामा ज़िया मेरा नाम है उधर, उसामा ज़िया 4 लिखेंगे आप तो मैं वैसे ही मिल जाऊँगा यूज़र नेम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे सवालों के जवाब जो दिए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं, कोई मिर्च मसाला ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, सीधी सीधी बात की, दो टोक बात ठक। तो अगर आप लोगों के दिमाग में और कोई सवाल है तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे जाके सवाल पूछिए, जवाब आपको लाजमी मिलेगा, देर से अगर आया भी सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। बस आपसे यही बातें कुछ करनी थी आज मैंने, फिर इसी उम्मीद के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नाजरीन इकराम, उसामा साइनिंग आउट।